नेक्स्ट टॉपिक इज दिस वन, पार्शियल पोलर कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। तो हमने क्या लर्न किया था, नो कंपाउंड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक, है ना। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम फिर से। ठीक है, तो पोलर कैरेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर कैरेक्टर, ब्रैकेट में लिखिए पोलर कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ। डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्जेस, तो पोलर कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिजल्ट्स इन व्हाट, अराइजिंग ऑफ पोलर कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कंपाउंड में पोलर कैरेक्टर क्यों आएगा, ये क्लियर है आपको, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द साइड एटम। ठीक है, एग्जाम्पल, तो कंपाउंड हमारे पास दो तरीके का हो सकता है, तो अगर इस तरीके का कंपाउंड हुआ तो इसका मतलब ये होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी व्हाट, जीरो। व्हाट वी कैन राइट, नो पार्शियल चार्ज विल डेवलप सेकेंड, दिस बॉन्ड विल बी अ नॉन पोलर बॉन्ड एंड दिस विल हैव नो आयनिक कैरेक्टर, दिस विल हैव नो आयनिक कैरेक्टर। देर विल बी नो चार्ज सेपरेशन बिटवीन ए एंड ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज सेपरेशन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये मतलब हुआ चार्ज सेपरेशन का। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी, नाउ कंसिडर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, ऐसा एग्जाम्पल मान के चलते हैं। सो व्हाट विल हैपन, सिंस ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, इट विल अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले चैप्टर में पढ़ा, विच मीन्स व्हाट, इट विल डेवलप अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या डेवलप होगा, अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, इसके लिए लिखिए
डेल्टा क्या लिखा हमने, क्या मतलब हुआ डेल्टा का? पार्शियल चार्ज, ठीक है, डेल्टा इसको पढ़ते कैसे हैं, डेल्टा। सेकेंड लिखिए, व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, पार्शियल चार्ज सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। और जैसे ही चार्ज आया हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा सा पोलर कैरेक्टर है ना, पोलर कैरेक्टर क्या लिखा था, डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज। दिस इंप्लाइज पोलर कैरेक्टर इन बॉन्ड, इसी को और क्या बुलाते हैं, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज सम आयनिक कैरेक्टर। ओके, क्लियर है ये? तो इतना दूर तो ऑलरेडी हमें पता था, इसमें कुछ नया कुछ मैंने आपको नहीं बताया है ना, तो अब नया यहां से शुरू होगा। अच्छा, एक जब इतना कुछ लिखा है तो साथ में आयन कंपाउंड्स वाला भी एक लिख ही लेते हैं। आयन कंपाउंड वाला मतलब डेल्टा और प्लस में क्या डिफरेंस है वो भी लिख लीजिए। दिस मींस कंप्लीट चार्ज सेपरेशन। बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो यहां पर पार्शियल चार्ज सेपरेशन को अंडरलाइन करिए ताकि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आए बाद में जब आप रिवाइज करें तो। और कभी अगर कंप्लीट चार्ज सेपरेशन हुआ तो हम उसको क्या बुला सकते हैं, आयनिक कंपाउंड या फिर 100% आयनिक कैरेक्टर। 100% का क्या मतलब हो गया बेटा, 99%, 98% उसको क्या बुलाएंगे हम, 100%। क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, पहला लाइन पढ़ो ना, नो कंपाउंड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। आयनिक का परसेंटेज ज्यादा होगा, परसेंटेज कैसा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए क्या बोल देते हैं उसको, 100% आयनिक कैरेक्टर। तो यहां तक चीजें आपको ऑलरेडी पता थी, इसके आगे हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे, जैसे कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, दो एटम्स। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में दो तरीके का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, एक होता है होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक, होमोन्यूक्लियर का मतलब लिखिए क्या मतलब होता है, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, होमो का मतलब सेम। दिस इंप्लाइज व्हाट, सेम न्यूक्लियस वाले डायटॉमिक। सेम न्यूक्लियस का क्या मतलब हो गया, ऐसा नहीं कि एक न्यूक्लियस दो के पास है, क्या मतलब हो गया सेम न्यूक्लियस का, सेम एटम। अभी एग्जांपल लिखेंगे समझ में आ जाएगा, H2Cl2Br2I2F2O2, ठीक है, क्लियर है, N2H2, सेम है ना दोनों, H और H क्या होंगे, सेम। तो जब सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा केस है, दो केस पढ़ा ना बेटा, ए ए और ए बी, कौन सा केस है, और ए ए इंप्लाइज व्हाट, नॉन पोलर कैरेक्टर है ना, कोई चार्ज नहीं आएगा, नो पार्शियल चार्ज। से बना लेना,
इस बॉन्ड को क्या बुलाएंगे हम? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ पूछना है यहां तक? एकदम पूरा कॉमन सेंस है बेटा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट, हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक, हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक। तो हेट्रोन्यूक्लियर मीन्स व्हाट? डिफरेंट न्यूक्लियस, डिफरेंट न्यूक्लियस मीन्स व्हाट? एटम्स आर डिफरेंट। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बेटा? एच बी आर, ठीक है, सी ओ, एच एफ। अब ये देखना एच सी एल, ये अटपटासा लगेगा क्योंकि आज तक आपने एच सी एल क्या पढ़ा है? एच प्लस और सी एल माइनस, घेर लेना उसको। एटम्स डिफरेंट का मतलब क्या हो गया? ये कौन से वाला केस है? ए ए वाला केस है या ए बी वाला केस है? ए बी वाला केस है। ए से फॉर एग्जाम्पल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाएंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड का नाम क्या होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये कंपाउंड का नाम क्या होगा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और देयरफॉर सम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कुछ तो आएगा, सम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो यहीं से नई कहानी अब शुरू होती है कि फॉर ए बी बॉन्ड पोलर कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू what is this? electronegativity of a, electronegativity of b, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा। नाम क्या है? हेने स्मिथ इक्वेशन। What is this Henne-Smith equation? Percentage ionic character is equals to 16 times plus, yes, purely कहां से आए? purely बेटा experimental results होते हैं, okay? एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3. एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन के पहले ना आप, मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस रटवाया था, लिखना जरा वो। बस यही याद रखना है पूरा जो सीक्वेंस लिखवाया था।
याद आ गया क्या था? फोन कॉल बरसी कपैच, है ना, याद है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस। ठीक है, बस इसी को यूज करना है और बताते चलना है। क्वेश्चन लिखिए। अरेंज एच एफ एच सी एल एच बी आर एंड एच आई इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलर कैरेक्टर। अरेंज एच एफ एच सी एल एच बी आर एंड एच आई इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलर कैरेक्टर। डन, कॉमन सेंस है बेटा। फोन कॉल बरसी से ये लिख लेंगे हम, है ना? ठीक, सबसे ज्यादा किसका? फ्लोरीन का। सब उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से तो सब में ये क्या है? सेम। तो थोड़ी देर के लिए अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप फ्लोरीन का 5 मान लो, इसका 4 मान लो, इसका 3 मान लो, इसका 2 मान लो, कोई वैल्यू मान लो, तो सब में तो 1 ही घटेगा ना। मान लो हाइड्रोजन का हमने 1 मान लिया, 5 - 1 4, ठीक है, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 मान रहे हैं, तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? सबसे ज्यादा किसके लिए? पहले वाले के। समझ आया? मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सेम साइड एटम है, विच मीन्स व्हाट? मैक्सिमम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया था। समझ में आया? तो फोन कॉल बरसी सीपीएच। ठीक है, एक पॉइंट नोट करेंगे। अब यहां एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं और पूरा क्लास इसी पे चलेगा। पोलैरिटी पोलैरिटी मीन्स व्हाट? आयनिक कैरेक्टर। इन अ कोवेलेंट कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड पूरा क्लास इसी पे चलेगा। तो लिखिए, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? वेक्टर सिखाना हमने, हाँ, बस उसी का एप्लीकेशन। डाइपोल मोमेंट गिवन बाय म्यू।
So it is a vector quantity. एक बात बताओ, अभी नहीं थोड़ी देर में बताना है। ये लिखा हमने, ठीक है, तो ए और बी विल बी सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस डी, तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज गिवन बाय क्यू इनटू डी। लिखो Q is amount of charge, इसको यहां पर हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड D is सेपरेशन बिटवीन A एंड B, जिसको हम क्या बुलाते हैं, और बॉन्ड लेंथ। चार्ज, ठीक है, मैथ्स में मॉडुलस फंक्शन सीखा आपने, तो यहां मॉड लगाइए। तो हमने जो म्यू लिखा है यहां पर, म्यू का क्या लिखा है हमने, क्या बोलते हैं उसको यार, मैग्नीट्यूड। म्यू इज डाइपोल मोमेंट, सब हम सबको पता है, ऊपर ही लिखा मैंने। इसको जस्ट वेक्टर की तरह देखना है बेटा, देखो एकदम काम आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, अपने लिए क्यू क्या होगा, पार्शियल चार्ज इंटू डी, देयरफोर चूंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका एक यूनिट होगा, यूनिट ऑफ म्यू। लिखिए, बताओ क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस, ऐसा यूनिट बता दो बस। अरे ऐसा यूनिट बताओ, इसका ऐसा यूनिट बताओ, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेरी गुड, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, हो गया। यहां लिख लेना कूलम मीटर, ठीक है। रेयरली हम कूलम मीटर यूज करेंगे, आपको लगता है बॉन्ड लेंथ 1 मीटर का होगा, नहीं होगा, बहुत छोटा आएगा, रेयरली हम इसको यूज करेंगे। तो अदर यूनिट्स, सो अदर यूनिट इज ई एस यू इंटू सेंटीमीटर। ई एस यू सेंटीमीटर, एक और यूनिट है डी बाय, यही यूज करेंगे डी बाय। उसके बाद लिखो कन्वर्जेंस, वन डी बाय इज इक्वल्स टू 10^-18 ई एस यू सेंटीमीटर। This is equals to 3.33 into 10^-30 कूलम्ब मीटर। तो पहला कन्वर्जन, दूसरा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ई एस यू जब हम निकालते हैं और
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हम चार्ज निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब आप चार्ज कूलम में निकालते हो तो कितना आता है बेटा, ये हम सबको पता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं ESU में, तो इट कम्स आउट टू बी, सेंटीमीटर लिखा मैंने यार, यार ESU। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कूलम। फोर पॉइंट एट 1.6 से डिवाइड होगा, कितना देगा, 3। 10 की पावर -10, 10 की पावर -19 से डिवाइड होगा तो क्या देगा, ठीक है। नाउ टेल मी 1 ESU का क्या वैल्यू होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁹। तो जहां पर जो यूज करना पड़े प्लीज कर लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, ये पेज ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इस पेज पर ही पूरा, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या चीज के बारे में बात किया बेटा, मैग्नीट्यूड। अब बात आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन लिखो। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय क्लोज्ड एरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड एरो, अरे ये ब्रैकेट लगाया है ना, ब्रैकेट नहीं बनाते हैं ये, बताने क्लोज्ड एरो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बस, यही है क्लोज्ड एरो, रेड से जो लिखा है। सेकेंड चीज डायरेक्शन में क्या याद रखना है, तो सपोज ए बी, ए इज मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिव देन बी अज्यूम करके, सो डायरेक्शन ऑफ क्लोज्ड एरो विल बी फ्रॉम लाइक दिस। क्लियर है ये, इसका एक एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया था हमने, याद है। याद करो, ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता था, डोनेट करता था, तो इलेक्ट्रॉन अगर दोनों डोनेट कर दिया तो क्या होगा इसके ऊपर, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है ये, ऑब्वियसली 3 बॉन्ड्स बनेंगे, वो ये बॉन्ड्स बनाया है ये ऊपर पर, ठीक है, डायरेक्शन वाला। ठीक है, एक चीज और नोट करना है, क्या नोट करना है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको
इसको हम लोग और क्या बुलाते हैं बेटा? लोन पेयर। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डाइपोल मोमेंट। एग्जाम्पल लिखिए, मान लीजिए ए के ऊपर लोन पेयर है, तो बनाते कैसे हैं लोन पेयर को, है ना? तो कॉमन सेंस अगर देखा जाए, लोन पेयर क्या होगा? नेगेटिव पर होगा, तो दिमाग में लिखना है नेगेटिव, इधर क्या होगा? पॉजिटिव। तो डायरेक्शन क्या होगा? ये दूसरे कलर के पेन से बना लेना। ठीक, और ब्रैकेट में पेंसिल से लिख लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो डेल्टा माइनस, ना ब्रैकेट में यहां पर बना लो अपने से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो डेल्टा माइनस, ए पर प्लस तो डेल्टा माइनस की तरफ। सो थर्ड पॉइंट डायरेक्शन के लिए, मान लो दोनों ही हुए, लोन पेयर भी हुआ और बॉन्डिंग पेयर भी हुआ, जिसमें ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी और बी के पास लोन पेयर भी है, तो ए अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो माइनस, और इधर अपना दिमाग के लिए माइनस, बी पर क्या होगा? प्लस। बना लो डायरेक्शन, क्या होगा डायरेक्शन? ठीक है, क्लियर है ये आपको? हाँ, बट एक बात बताओ, क्या इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा? वैल्यू वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों का वैल्यू सेम आएगा? नहीं आएगा दोनों का वैल्यू सेम। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कुछ पूछना है इसमें? तो ये सब वैल्यू वैल्यू क्या आएगा, ये सब बात का बात है। ठीक है, सो अब इसके ऊपर नई चीजें, टॉपिक का नाम लिखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहला डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वन लिख लेना, काफी सारे आएंगे। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अभी दो तरीके के पढ़े हमने, कौन कौन से? होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर। तो होमोन्यूक्लियर क्या मतलब क्या हो गया? ए टू टाइप्स, ए बी टाइप्स। तो होमोन्यूक्लियर में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? ए ए। ठीक है, तो बॉन्ड ही अगर नॉन पोलर है, विच मीन्स व्हाट? Which means what? डेल्टा इंटू डी क्या होगा? जीरो। इसके लिए लिखो, देर विल बी सर्टेन डेल्टा, मतलब पोलर कंपाउंड, सम डेल्टा अगर होगा तो म्यू विल नॉट बी इक्वल टू, कुछ तो डेल्टा आएगा। इसको ऐसे डब्बे में बंद कर लेंगे,
आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसमें बस आपको ये लिखना है किसके लिए म्यू जीरो होगा, किसके लिए म्यू जीरो नहीं होगा। करो फटाफट हो जाएगा हमारा। इसके लिए मैं हूँ तो अभी किया जस्ट, नहीं आएगा जीरो। ये आया आपका आंसर, एच एफ का नॉन जीरो क्यों आएगा, एच एफ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा आएगा। सीओ का भी ऑलरेडी डन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अरेंज एच एफ एच सी एल एच बी आर एंड एच आई इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई। सबसे पहले ये देखना है क्या, पहले तो चार्ज आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, ठीक। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, क्यू इनटू डी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑर्डर ये है तो चार्ज जो डेवलप हुआ होगा ज्यादा किसके ऊपर डेवलप हुआ होगा, फ्लोरीन वाले वाले के ऊपर। तो चार्ज जो डेवलप हुआ उसके हिसाब से अगर आंसर लिखना करें तो क्या लिखेंगे। बट साथ में ये भी तो बैठा है, चुपचाप तो नहीं बैठेगा। साइज और साइज के हिसाब से अगर हम अरेंज कर दें तो ये आएगा, चार्ज के हिसाब से ये, साइज के हिसाब से ये। नाउ सिंस म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डी, यहां लिखे इट्स अ डोमिनेंट फैक्टर, इट्स अ डोमिनेंट फैक्टर, देयरफॉर हमें ना ही चार्ज चाहिए, हमें ना ही साइज चाहिए, क्या चाहिए,
म्यू चाहिए। म्यू कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये ध्यान रखना है। तो पहला जो ग्रुप था वो क्या था? डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकंड, सेकंड करने के पहले थोड़ा सा वेक्टर है ना, वेक्टर एडिशन, डायरेक्शन को देखकर। मान लो एक वेक्टर ऐसा है और सेम वेक्टर नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो ऐसा अगर डाइपोल मोमेंट रहा तो म्यू क्या होगा? होगा, लिखते चलो, साइड में लिखना, साइड में। इसको देखना, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, 120, 120 और 120। ये किया है आपने? कैसे करते थे याद करो, है ना? ये कितना होगा? 60, ये 60। तो इसका जब निकालोगे क्या वैल्यू आएगा? cos 60। इसका भी वैल्यू क्या आएगा? cos 60। तो कितनी बार cos 60 आया? दो बार cos 60। तो दो बार cos 60 का क्या मतलब हो गया? टू cos 60 मीन्स व्हाट? cos 60 इज हाफ, वन। तो नेट इधर कितना आया? वन। ऊपर की तरफ कितना है? वन। दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट। इधर sin 60, इधर sin 60। कहने का मतलब है म्यू यहां भी क्या होगा? समझ आया? एक्स लेके बना लो ना बेटा, एक्स एक्स और एक्स। क्या लिखोगे? देखो ध्यान से, टाइम नहीं है अभी उतने का। x cos 60, x cos 60 क्या होगा? 2x cos 60। 2x cos 60 में cos 60 का वैल्यू डालोगे तो sin 30 के बराबर हाफ, और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x। ऊपर की तरफ कितना है? x चला गया, कैंसिल आउट हो जाएगा वेक्टर। वैसे इधर जब sin 60 लोगे और इधर sin 60 लोगे तो वो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा? 0। फटाफट खाली लिख लो, है ना, ये वेक्टर से एक्सप्लेन हो जाएगा। थर्ड, चार वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक ऐसा, एक ऐसा, सब सेम लेंथ का, एक ऐसा और एक ऐसा, क्या आएगा नेट बताओ? बताओ क्या आएगा नेट? अरे इतना टाइम अरे नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल आउट कर देगा, और साइड वाले को कैंसिल आउट कर देगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दिख रहा है आपको? तो म्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 0। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये कहां पढ़ा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये कहां पढ़ा? ऑक्टाहेड्रल में, स्क्वायर पिरामिडल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो बेसिकली अब यही करने वाले हैं, हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हर शेप के लिए म्यू निकालने वाले हैं। समझ में आया ये चीज? हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने, ज्योमेट्री तो सबके लिए सेम आता था, शेप क्या आता था? अलग आता था। तो हर शेप के लिए हम डाइपोल मोमेंट अभी लिखने वाले, कैसे निकालेंगे ये क्लियर है आपको? समझाया मैंने आपको यहां पर, बाकी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो वी विल बी डूइंग दैट। तो लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड केस। सेकेंड केस इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। शेप कैसा है इसका? एग्जाम्पल आई होप आपको याद हो गए होंगे।
ठीक है, जरा इसका शेप बनाइए बी सी एल टू का। बना बीई और सीएल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, डायरेक्शन बताइए, बताइए डायरेक्शन, बना डायरेक्शन। तो दोनों जो वेक्टर्स होंगे सेम लेंथ के होंगे, क्यों सेम लेंथ होंगे, क्योंकि इधर भी सीएल इधर भी सीएल, विच मीन्स व्हाट, म्यू इज जीरो। तो इन सब के लिए म्यू क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दूसरा एग्जाम्पल, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन में दूसरा एग्जाम्पल, बीई एफ सी एल, बीई एफ सी एल, देखो इसको, एक तरफ शेप तो लीनियर ही है ना, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा प्लस, यहां पर डाइपोल ऐसा और यहां पर डाइपोल ऐसा, बट इस बार दोनों डाइपोल में क्या डिफरेंस है, हाँ बोलो, इस डाइपोल को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में लिखोगे, क्या लिखोगे, क्यू वन इंटू डी वन, इसको क्या लिखोगे, क्यू टू इंटू डी टू। तो चार्ज के हिसाब से अगर डाइपोल को देखना है तो ज्यादा चार्ज किधर होगा, लेफ्ट साइड में, विच मीन्स बड़ा लाल वाला वेक्टर बड़ा होगा, ब्लू वाला वेक्टर छोटा होगा, विच मीन्स म्यू इज नॉट जीरो, ओके, विच मीन्स म्यू इज नॉट जीरो। देखा नहीं आपने टाइम, 9:45, 10 o'clock से क्लास है, बैठ जाइए, कहाँ जाएंगे। ठीक है, म्यू नॉन जीरो मीन्स व्हाट, तो कहने का मतलब है एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जब सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द क्या होगा, डिफरेंट साइड एटम्स, तो उसमें म्यू जीरो नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है, तो इसको डब्बे में बंद कर लेना और इसको डब्बे में बंद कर लेना, दो केस है बेटा, है ना, म्यू के लिए दिख रहा है आपको, तो पहले वाले के लिए म्यू इज जीरो, दूसरे वाले के लिए म्यू इज नॉट जीरो, ठीक। कुछ पूछना है इसमें, कॉमन सेंस वेक्टर, थर्ड एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा बताओ ज्योमेट्री क्या आता था, ट्राइगोनल प्लेनर, कितने केसेस बनते थे बोलो, दो केसेस बनते थे, केस वन केस टू, केस वन कौन सा था, थ्री साइड एटम्स, केस टू कौन सा था, टू साइड एटम्स। एग्जाम्पल ऑफ केस वन, बी एफ थ्री, बी सी एल थ्री,
BBr3. एग्जाम्पल ऑफ केस टू, यूनिक एग्जाम्पल पढ़ा था SiCl2. नाउ द इंपॉर्टेंट इज हियर, व्हाट वाज इट शेप? थ्री साइड एटम में शेप क्या आता था? सेम जो ज्योमेट्री होगा, ट्राइगोनल प्लेनर. और इधर क्या आता था? ट्राइगोनल प्लेनर में एक बॉन्ड हटाकर वहां क्या लगता था? लोन पेयर, जिसकी वजह से चीज क्या हो जाती थी? बेंड. तो वी शेप. ठीक है, डायग्राम बनाओ. बन गया? अब जल्दी से बता दो क्या आने वाला है म्यू पहले केस में. वेरी गुड. विच मीन्स व्हाट? ये सारे कंपाउंड्स कैसे होंगे? नॉन पोलर. ओके, क्लियर है ये चीज? अब ध्यान से देखना, ये नॉर्मल वाला तो कर लोगे. क्यों? अगर मान लो आपने BF3 बनाया है, तो BF और दूसरा एग्जांपल लिखो इधर. BFCl2. बताओ अब आएगा? देखो ना बेटा, नहीं आएगा ना. इधर क्या आएगा? या देखो ये क्या लिखोगे? एक्स एक्स, अगर वेक्टर देख रहे हो, एक्स और एक्स, यहां क्या लिखोगे? वाई. अलग होगा ना ये, इसका डाइपोल अलग होगा, इसका डाइपोल अलग अलग होगा. तो y cos 60, y cos 60 क्या देगा आपको? 2y cos 60. cos 60 का वैल्यू रखोगे हाफ, तो कितना होगा? y आ जाएगा. इधर क्या लिखा हुआ है? x. तो y और x बराबर होंगे? नहीं बराबर होंगे. तो एक डाइपोल आ जाएगा, वो भी किस डायरेक्शन में? नेट आएगा ऊपर की तरफ. ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इस कंपाउंड का नेट डाइपोल ऊपर की तरफ आएगा. तो म्यू इज नॉट जीरो. समझ आया? ये यही समझाना है, बाकी सब तो आप कर ही लोगे. तो इस पर दोनों में को डब्बे में बंद करो. सेम थिंग गोज हियर ऑल्सो. ये तो कॉमन है, इसमें तो क्या कर. तो वाई वाई ठीक है, तो क्या आएगा? 2y cos 60. cos 60 तो नहीं आएगा क्योंकि 120 से कम होता है. मान लेते हैं कि 120 के अराउंड है, तो 2y cos 60. 2y cos 60 में जब cos 60 का वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? y. तो नीचे की तरफ y, ऊपर की तरफ तो क्लोरीन है ही नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ डाइपोल मोमेंट तो आएगा, है ना? डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो आएगा, कितना आएगा वी डोंट नो, बट कुछ आएगा. नीचे कुछ आएगा, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम नहीं होगा. इसलिए म्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. इसे बना लेना, नॉट सेम. डाइपोल मोमेंट तो आएगा बेटा. ये नेट लिख रहे हैं, नेट ठीक है. ये जो बनाया हमने, ये ऐसे बनता है ठीक है. और लास्ट में जो हमने बनाया वो नेट लिखा, ये ऐसे बनता है ठीक है. तो जल्दी से बता दो कौन सा पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा. नॉन पोलर, पोलर. और ये
नॉन पोलर, ठीक है, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, कोई दिक्कत? वेक्टर्स ध्यान रख, अच्छा सॉरी सॉरी, पोलर पोलर पोलर, सॉरी सॉरी सॉरी, पोलर गलती से हो गया। फोर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, केस वन, फोर साइड एटम्स, शेप टेट्राहेड्रल, एग्जाम्पल CH4, CCl4, CF4, SiF4, PCl4 प्लस ATC, CH4, CCl4, CF4, SiF4, PCl4 प्लस, अब इसका देखना ध्यान से, सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एच, एच पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा, दिख रहा है? तो इन दोनों का जो नेट आएगा, ठीक है, उसको डॉट से बनाना, ऐसा, इन दोनों का जो नेट आया वो डॉट से बनाएगा, इसका डाइपोल कैसा होगा? ऐसा, इसका डाइपोल कैसा होगा? ऐसा। तो इन दोनों का जो नेट आता है वो क्या आता है? इसी के उल्टे डायरेक्शन में आ जाता है ना, इन दोनों का ये पता होना चाहिए, इन दोनों का जो नेट आता है इसके उल्टे डायरेक्शन में आ जाता है, मतलब कुछ ऐसा नेट, ये पता होना चाहिए। तो देखो यहां पर, चूंकि एटम सारे सेम है ना, एच 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 और एच, तो ये जो बनेगा वो कॉस वगैरह जब करके करते हैं तो सेम बनेगा, इधर भी जो बनेगा सेम बनेगा, तो दोनों उल्टे डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को, तो दिस विल बी व्हाट? नॉन पोलर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो इसके आगे फिर अगली क्लास में किया जाएगा, इतना पढ़ कर आना, इसके आगे फिर अगली क्लास में करेंगे, डन, जा सकते हैं।